वेस्टइंडीज टीम को जहां यूएस के साथ संयुक्त मेजबान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करनी है, वहीं वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही टीम को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल टीम के तीन बड़े खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रखने को कहते हैं। उसी के तहत खिलाड़ी को सालाना सैलरी भी मिलती है। इससे पता लगता है कि आप नेशनल टीम के साथ जुड़े हैं और हर टूर्नामेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को ही चयन में अटेंशन मिलती है। पर अब इन तीन बड़े खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर फैंस को डरा दिया है। दो बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा करने वाले वेस्टइंडीज की टीम पिछले कुछ सालों में बिखर गई है। इसका प्रमुख कारण यह भी रहा है कि टीम के खिलाड़ी टी20 लीग की तरफ ज्यादा भागते हैं, वो नेशनल टीम के लिए नहीं खेलना चाहते। शायद यही कारण है कि अब निकोलस पूरन, जेसन होल्डर और काइल मेयर्स जैसे बड़े खिलाड़ियों ने टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है। होल्डर और पूरन टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन अभी खिलाड़ी भी कुछ पूर्व खिलाड़ी कारन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो और सुनील नरेन की राह पर चलते दिख रहे हैं। हालांकि आईसीसी द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि ये खिलाड़ी टीम में सिलेक्शन के लिए मौजूद रहेंगे। इन तीनों ने टीम के साथ आने वाले मुकाबले में खेलने के लिए अपनी मौजूदगी पर क्लैरिटी जताई है, पर तीनों का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराना साफ दर्शाता है ये टी20 लीग पर ज्यादा फोकस करेंगे। पर तीनों के द्वारा अपनी अवेलेबिलिटी पर जवाब देना कुछ हद तक इस बात के लिए फैंस को राहत दे सकता है कि शायद वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन इस पर फाइनल जजमेंट तो बोर्ड का होगा, क्योंकि पहली अटेंशन कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी को मिलती है, पर कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर भी ये वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट ने भी न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट टी20 लीग और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के कारण ठुकराया था, पर वह इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम के साथ खेलते दिखे हैं। वह वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी टीम का हिस्सा थे। ऐसे में पूरन, होल्डर और मायर्स के भी मैरून आर्मी में लौटने के चांस बरकरार हैं। पर इसका पूरा फैसला डिपेंड करेगा वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।